हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स लर्न विच थोड़ा स्वागत है। अज असी डिस्कस करांगे चैप्टर नंबर 15 लाइट। ठीक है, सो लाइट के विच असी की डिस्कस करांगे, लाइट, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, मिरर एंड लेंस, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो लाइट की होंगी है, पहले देखो, लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट अराउंड अस विजिबल। जिहड़ी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट ते पैंदी आ वो सानू मतलब दिखाई दिंदी आ। ठीक है, When the sunlight or light from any other source falls on object, some of its bounces into our eyes. मतलब कोई जो सूरज की जी रोशनी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के उपर पैंती है, वो कुछ रोशनी साड़ी अखा भी पैंती है। ठीक है, वह की होंगी है, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट होंगी है। ठीक है, द रिफ्लैक्टड लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यही जी रिफ्लैक्टड लाइट आ, यही जी लाइट बैक्स ऑब्जेक्ट तो साड़िया अखा पर पैंती है, उन्होंने की बोलते हैं, उदे नाल ही सानू कोई भी ऑब्जेक्ट की है दिखाई देता है। ठीक है, क्लीयर। उस तो बाद है दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रैक्टीलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो मतलब लाइट जी स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल करती जिस तरह ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करती, उन्होंने की बोलते हैं रैक्टीलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लीयर। उस तो बाद नेक्स्ट है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। वट हैपन वैन यू थ्रो अ बॉल इन द फॉलिंग केसिज। कहते की होगा जो तुम बॉल में इन केसिज की करोगे, थ्रो करोगे, सुट्टोंगे इन एन ओपन स्पेस, जो तुम ओपन स्पेस के सुट्टोंगे ऑन अ स्क्रीन मेड ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, एक स्क्रीन पर सुट्टोंगे जी न्यूज़पेपर की बनी हुई है, टू वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, ज एक दीवार पर सुट्टोंगे जी कि इटा की बनी हुई है। ठीक है, इन द फस्ट केस द बॉल will move ahead as there is no obstacle in this in its way। मतलब पहली केस दे विच की होगा जो ओपन स्पेस दे विच तुसी बॉल नू सिटोंगे वो ईजीली मूव होगी इधर उधर। ठीक है, किसी दे विच भी लगेगी नहीं। ठीक है, और इन द सैकेंड केस द बॉल विल टीयर द पेपर स्क्रीन एंड कीप गोइंग। मतलब कि जे देखो अखबार की बनी हुई दीवार आ उहदे उपर बॉल सिटोंगे उन्हें अखबार नू पाड़ के अगे पास हो जाना। ठीक है, हो जाना है ना, बिचों की पास हो जानी। तो जे तुम दीवार पर सुट्टोंगे दैन उन्हें की हो जाना, बैक रिफ्लैक्ट हो जाना, बैक रिफ्लैक्ट हो जाना, दीवार के उपर बॉल में सुट्टा उन्हें बैक रिफ्लैक्ट हो गया, दोबारा वापस अपने को आना। ठीक है, यही यही की है, देखो आ देख लिखा हुआ एज द थर्ड केस द लाइट रे ऑलसो बाउंस बैक वैन दे हिट अ हार्ड ओपेक्यू सरफेस। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ सरफेस इज नोन इज रिफ्लैक्शन। इनू ही रिफ्लैक्शन बोलते हैं, जिदा आप दीवार के उपर कोई बॉल सटते हैं बॉल वापस आ जाती है, इस तरह रिफ्लैक्शन के भी जो लाइट जी दीवार पर पैंती है वो दोबारा आ जाती है। ठीक है, उन्होंने की बोलते हैं रिफ्लैक्शन। क्लीयर, समझ लगी जिस तरह ये निशान बनाया हुआ, देखो बनाया हुआ रैगूलर रिफ्लैक्शन, एक लाइट आई है, ठीक है, बैक रिफ्लैक्ट हो गई, पास हो गई। ठीक है, ये मिरर बनाया हुआ उन्होंने शीशा। क्लीयर, ये जोड़ा मिरर आ उन्होंने एक स्ट्रेट लिया हुआ सीधा। ठीक है, और नैक्सट जोड़ा आ मिरर उन्होंने लिया हुआ, ये उन्होंने डिफ्यूज रिफ्लैक्शन लिया हुआ है। ठीक है, उगड़ा दुगड़ा जाने के मतलब कह सकते कि लाइट आई जिदा हूँ, ये लाइट जो आई इन्हें पास होकर कोई इधर फैल गई, कोई इस तरह कोई इस तरह, मतलब जो स्ट्रेट से उदो स्ट्रेट लाइन के ही बैक मुड़ी है, बट जो इस तरह का एरिया सेगा, ठीक है, सरफेस सेगा उदो इस तरह उन्हें बैक रिफ्लैक्ट होना है। ठीक है, उस तो बाद है रेगुलर रिफ्लैक्शन तो डिफ्यूज रिफ्लैक्शन, जो तुम डिफरेंस आप पढ़ लेना है। ठीक है, नैक्सट है नैक्सट देखो, यू विल फाइंड दैट द लैफ्ट साइड अपीयर ऑन राइट एंड राइट साइड अपीयर ऑन द लैफ्ट इन द मिरर, दिस इज कॉल्ड लेटरल इनवर्शंस। जो मतलब कि सानू कोई इमेज असं जो मिरर के देखते हैं सानू लैफ्ट साइड जी और राइट दिसदी है और राइट साइड जी लैफ्ट दिसदी है उन्होंने की बोलते हैं आप लेटरल इनवर्शन बोलते हैं। ठीक है, उस तो बाद स्फेरिकल मिरर केड़ा हुंदा, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन विच वी नीड इमेज दैट आर ग्रेटर और समॉलर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल मिरर के हुंदा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो असं मिरर के दिखाना जाता सानू वड्डा दिसदा है जां सानू वह छोटा दिसदा है। ठीक है, उस तो बाद कनकेव ते कनवैक्स मिरर जिहड़ा की हुंदा वह देख लो। कनकेव मिरर देखो, पहले तो टू टाइप्स के मिरर हुंदे आ, कनकेव मिरर्स और कनवैक्स मिरर। Imagine you have a hollow sphere, say a rubber ball, cut a portion of its, you will get its piece with a cover surface. एक कहते थोड़े को इस तरह का कोई hollow sphere या उन्हें तुसी जे मतलब दो पार्ट दे विच कट लेने हैं, देन वो इस तरह का बन जाएगा sphere. ठीक है, उस तो बाद a similar piece of glass can be converted into excellent reflecting surface to make it into mirror. You will
हैव टू अपलाई द सिल्वर ये ही आप अपलाई करके देखना है कि यह कन्वेकेव कि बनता है कन्वैक्स कि बनता देखो हम जेकर ए वाली जी एक जाने की सर्कल ले लिया देखो सर्कल ले लिया उन्होंने मैं विचकार तो कट दिता कट के दो मिरर बन गए ये दो बन गए स्फीयर दो स्फीयर बन गए ये जो ए वाला आ मतलब ए वाला पोर्शन आए जो मैं विचकार तो शेड कर दिनी हाँ मतलब इधरों शेड कर दी तो इधरों आप दिखाई देगा ठीक है मतलब इधरों मिरर दिखाई देगा इधरों पॉलिश की हुई सतह है ठीक है ये कि मिरर हो गया कन्वैक्स मिरर हो गया क्लीयर और जो अपने को उपर वाली साइड जी उपर वाली साइड जो आप कर दें पॉलिश कर दें और विचकार तो दिसदा होनकेव मिरर ठीक है दो तरह के मिरर आ कन्वैक्स और कनकेव क्लीयर इफ यू अपलाई सिल्वर कोटिंग टू द इनर पोर्शन जो मतलब जी सिल्वर कोटिंग आ इनर पोर्शन पर आ जाती है ऑफ सच अ ग्लास सैक्शन द आउटर पोर्शन बिकम रिफलैक्टिंग सर्फेस दिस इज कन्वैक्स मिरर मतलब कि जोड़ा आउटर पोर्शन आ जोड़ा आउटर पोर्शन आते की होंगी है लाइट पैंती है तो रिफलैक्ट होंगी है मतलब इधरों आप दिखाई दिता है तो इधरली चीज़ की है पॉलिश की है वह की होंगी है कन्वैक्स मिरर और जी दूसरी पास आ इनर पार्ट जोड़ा आदि थ्रू अपन कोई चीज़ दिखाई दिखती है रिफलैक्ट होंगी लाइट जो लाइट पैनी रिफलैक्ट होना तो इधरों पॉलिश की होंगी है जब तुम सपोज कर लो एक मिरर आनू मतलब इस तरह की शेप दे एक इस तरह की शेप दे एक दे उपरली साइड तो दिखाई देना एक दे विचकारों दिखाई देना वो ही कन्वैक्स से कनकेव ठीक है नैक्सट देख लो यूजिस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कनकेव मिरर्स मेक थिंग्स लुक लार्जर वैन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड मतलब कि कनकेव मिरर आपां नूं कादे लई यूज़ किया जाता है छोटिया चीज़ों वड्डा करके देखने के लिए यूज़ किया जाता कि यूज़ है देखो एज शेविंग शेविंग मिरर्स देखो जो शेव करते हैं शेव करने के लिए आपां नूं जिहड़ा आप कनकेव मिरर यूज़ करते हैं जिहदे नाल आपां नूं जिहड़ा फेस आ उह की दिसदा आ वड्डा दिसदा है ठीक है एज अ डेंटिस्ट मिरर मतलब जिहड़े डेंटिस्ट आ उह भी कनकेव मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने जो टीथ का जिहड़ा करना हुंदा आ उन्होंने वो चीज़ जिहड़ी लार्ज दिसदी है ठीक है उस तो बाद फॉर एग्जामिंग ईयर नोज थ्रॉट एंड आई मतलब इन चीज़ों की जेकर कोई किसी ने एग्जामिन करना हो अखा चैक करना हो नोज़ में आईज़ वगैरह में इन्हें देखना हो भी कनकेव मिरर यूज़ किया जाता इन रिफ्लैक्शन ऑफ हैडलाइट्स ऑफ कार्स जिहड़ी कार दे लगिया होंगे हैडलाइट्स उहदे लई विच किहड़ा भी लगा हुंदा आ इह वाला जिहड़ा मिरर कनकेव मिरर हुंदा मतलब जिहड़ी आ छोटी चीज़ नूं वड्डा करके देखण दे लई ठीक है पिछे बैक देखण दे लई ठीक है दैट इज़ वाई they are used as rear view mirror in the vehicles ता करके vehicle दे विच भी यही use किया जाता बिक पिछे वाली चीज़ नू मतलब कि दूर वाली चीज़ नू नेड़े करके देखने दे लिए use किया जाता है vehicle दे विच इन स्ट्रीट लाइट गलियां दे विच जिहड़ी लाइट्स लगी होनी टू रिफ्लैक्ट लाइट ओवर अ लार्जर एरिया मतलब पूरे वड्डे एरिया नू कवर करन दे लिए देखने दे लिए भी यह यूज़ किया जाता है ठीक है नैक्सट है लेंस नैक्सट है जो लेंस अ लेंस इज कवर्ड पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटीरियल एक तरह का कवर्ड ग्लास हुंदा है जां फिर एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल हुंदा जिहदे विच दी मतलब लाइट जिहड़ी पास हो जांदी ट्रांसपेरेंट तां पता है ना तुहानू एक पासे लाइट आई दूजे पासे दी पास हो गई पिछली क्लास विच भी पढ़िया सी ट्रांसपेरेंट हो गया ओपाक हो गया ठीक है पढ़े सीगे ना इह सो इही की आ सो द ग्लास इन स्पेक्टल्स मैनीफाइंग ग्लास कैमराज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लेंस ये किन्हां दे विच यूज़ किया जाता जिदा कैमरेज ग्लास दे विच इह सारियां चीज़ां दे विच इह लेंस यूज़ किया जाता टू कॉमन टाइप्स ऑफ लेंस होंगे कनकेव और कनवैक्स लेंस ये भी दो तरह के लेंस होंगे कनकेव तो कनवैक्स इन द कॉमन कनवैक्स लेंस बोथ सर्फिस कर्व करव इनवर्ट कनवैक्स के होंगे आ सर्फिस करव जी इनवर्ट हो जाती है कर्व जी इनवर्ट हो जाती देयर फिर इज कॉल्ड आ बायो कनकेव लेंस इन्हों बायो कनकेव भी लेंस कह देंगे ठीक है नैक्सट नैक्सट डायग्राम्स देख लेनी है बायो कनकेव बायो कनवैक्स प्लैटो प्लैनो कनकेव लेंस प्लैनो कनवैक्स लेंस ठीक है हाँ जी देखो जिस तरह ह्यूमन आइज़ दे विच कनवैक्स लेंस जिहड़ा यूज़ किया गया है आइज़ लेंस ठीक है नैक्सट उस तो बाद स्पैक्ट्रम जिहड़ा आ वाइट लाइट इज़ देखो स्पैक्ट्रम वाइट लाइट इज़ कॉम्बीनेशन ऑफ नंबर ऑफ कलर्स ऑफ लाइट विच कम्स इन टू डिस्प्ले वैन यू सी आ सोप बबल और कंपैक्ट डिस्क कहिंदे जदों कोई मतलब कि देखो वाइट लाइट इज़ कॉम्बीनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कलर्स जिहड़ी चिट्टी कलर की लाइट हुंदी आ सूरज की रोशनी जिहड़ी आउंदी आ उहदे विच किन्ने सारे कलर हुंदे आ ठीक है विच कम्स इन टू डिस्प्ले ये सानू किद्दां दसदे आ जदों मतलब असीं सोप दे उपर जिहड़े बबल बनदे हुंदे आ झग जी हुंदी आ उहदे उपर कलर्स दिसदे आ ना सानू ठीक है जां फिर कोई कंपैक्ट डिस्क आ उहदे ते भी आपां नूं सारे कलर दिखाई दिंदे आ ना ठीक है
ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਯੈਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਪਲ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਵਾਇਲਟ ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ